फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल आदित्य चोपड़ा की मां और यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस घटना से सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। पामेला चोपड़ा एक मशहूर सिंगर थीं और उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में अपना संगीत दिया है। माँ के निधन की खबर से जहाँ आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा पूरी तरह से टूट गए हैं, वहीं रानी मुखर्जी का भी रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि पामेला ने 1976 की फिल्म कभी कभी, 2002 की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगी और 1997 की सुपरहिट फिल्म दिल तो पागल है के लिए कई गाने गाए हैं। मीडिया रिपोर्ट से सामने आ रहा है कि पामेला लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। 85 साल की पामेला 15 दिनों तक मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती रही। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई और आखिरकार पामेला की मौत हो गई।